राजनाथ सिंह एम्स से डिस्चार्ज हुए। पीठ दर्द के कारण दो दिन पहले भर्ती हुए थे। देश के रक्षा मंत्री को पीठ दर्द की शिकायत के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली एम्स की ओर से बयान जारी करके ये जानकारी साझा की गई है। राजनाथ सिंह को पीठ के दर्द की शिकायत के बाद पुराने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। राजनाथ सिंह को अस्पताल से मिली छुट्टी। एम्स दिल्ली ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया और ये बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीठ दर्द की शिकायत के कारण एम्स में भर्ती। राजनाथ सिंह को बृहस्पतिवार को पीठ दर्द की शिकायत के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अधिकारियों ने 11 जुलाई को देर रात ये जानकारी साझा की थी। एम्स की मीडिया प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा ने उस वक्त बताया कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने की पुष्टि कर दी गई है। बता दें, बीते 10 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ का जन्मदिन था। जन्मदिन के अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और पीठ दर्द की शिकायत सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में जानिए। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के अनुसार 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के बाभोरा गाँव, तहसील चकिया, जिला वाराणसी जो अब जिला चंदौली में स्थित, में राम बदन सिंह और गुजराती देवी के घर राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव से पूरी की और आगे की पढ़ाई करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। मिर्जापुर जिले के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बतौर फिजिक्स लेक्चरर का कार्यभार संभाला। राजनाथ सिंह ने दो बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को संभाला है। वर्ष 2005 से 2009 तक और 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परिवहन मंत्री का पद भी संभाला। मोदी सरकार एक में वो देश के गृह मंत्री रहे और 2019 में अब तक वो भारत के रक्षा मंत्री हैं।